इस समय बॉलीवुड से एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन पत्नी और अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस फर्रुख जाफर का निधन हो गया है। फर्रुख आखिरी बार गुलाबों सिताबों में नजर आई थीं और उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल निभाया था। उनके रोल को लोगों ने खूब पसंद भी किया। फर्रुख का जन्म ब्रिटिश दौर में साल 1933 में हुआ था। फर्रुख विविध भारती में रेडियो प्रेजेंटर हुआ करती थी। साल 1963 में वो लखनऊ की पहली रेडियो अनाउंसर बनी थी। साल 1981 में उन्होंने फिल्म उमराव जान से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वो रेखा की माँ बनी थी। फर्रुख ने स्वदेश में शाहरुख खान के साथ भी काम किया और इसके बाद वो आमिर खान की फिल्म पीपली लाइव में भी नजर आई। सुल्तान में वो सलमान खान की दादी बनी थी। फर्रुख को ऐसे रोल ही दिए जाते थे जिन्हें निभाने का बूता पूरे बॉलीवुड में किसी के पास नहीं था। फर्रुख ने बॉलीवुड के सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया। उनके निभाए गए सभी किरदार बेमिसाल थे। फर्रुख के पति सैयद मोहम्मद जफर एक बड़े पत्रकार थे और वो कांग्रेस से MLC भी बने। गुलाबों सिताबों के लिए फर्रुख को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। ये अवार्ड जीतने वाली वो अब तक की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस थीं। फर्रुख लखनऊ में जन्मी थीं और उन्हें अपने शहर से बहुत प्यार था, इसलिए कुछ साल पहले वो वापस लखनऊ लौट आईं और यहीं कल रात अपने प्राण त्याग दिए। फर्रुख जाफर के निधन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।